गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट रेस्ट पार्ट है वे बात करेंगे, और आप लोगों को उम्मीद है जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेरे कारण जो थोड़ा सा रुकावट होगा वे बस आप लोगों को भी फिनिश हो जाएगा। आप केमिस्ट्री के लिए जानते ही हैं जो माहिर हैं, यदि मेरे पास से कोई केमिस्ट्री समझ या सीख ना पाए तो समझिए उसको दुनिया में कहीं जगह नहीं है, ये फिक्स है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई केमिस्ट्री समझाने वाले अभी वर्तमान समय में पूरे इंडिया में नहीं है। भले ही कोई अपना स्वार्थ के कारण कुछ जो है कह दे जो केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा देरी हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों से को सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जो भी अब समय बचा बिहार बोर्ड के लिए, जितने पास भी मेरे बचा हुआ है उस सभी को मैं फिनिश कर लूँगा, ये मेरा वादा है। बस तो आज हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्या समझे, जो पॉलीमर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन में सबसे पहले हम लोग बात करें नेचुरल पॉलीमर। क्या बात करें, नेचुरल पॉलीमर हैं, नेम से ही स्पष्ट है, जो वैसा पॉलीमर जो नेचर से ऑब्टेन हुआ हो, नेचर से प्राप्त हुआ हो। और नेचर में है कौन, तो एक प्लांट है और दूसरा एनिमल, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल। तो पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट, या तो एनिमल से या प्लांट से, इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, है ना। एग्जाम्पल सेल्यूलोज, नाम सुने हैं कभी, ये जो सेल्यूलोज है, ये जो आप कोई प्लांट देखते हैं, प्लांट का पौधा का जो छाल देखते हैं, वे छाल ही, वे ऊपर से जो कवर देखते हैं वे कवर ही किस नाम से जाना जाता है, सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है, वे सेल्यूलोज कहलाता है। तो इस तरह से ये जो हम लोगों का नेचुरल पॉलीमर है वे सेल्यूलोज एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा स्टार्च, नाम सुने हैं स्टार्च, वे भात जो खाते हैं, रोटी जो खाते हैं, वे क्या है, स्टार्च है। रबर ऊल ETC। तो 12th में आपसे पूछ दिया जाएगा जो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर, तो भी हम लोगों को याद रखना है जो नेचर में यही पॉलीमर पाया जाता है। दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, नेम से ही स्पष्ट है, जो मैन मेड पॉलीमर जो होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, सिंथेटिक पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर इज कॉल्ड
सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। एग्जांपल याद है क्या बाबू? बूना एस याद है, जो ये मोनोमर बूना एस का क्या होगा? वे उस बच्चा को याद नहीं होगा जो मेरे बारे में कहते होंगे जो सर बहुत देर लगाते हैं, वैसे जो खास के क्रिस्टिसाइज करते होंगे, ये मेरा दावा है, जो ये बूना एस के बारे में भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो बच्चा को केवल ये ध्यान रहता है जो सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, अरे वो पढ़ेगा क्या, वो तो उसी सोचने में, वो टीचर को कंपेयर करने में लगा हुआ रहता है। पढ़ाई तो सिर्फ उससे होता है जो पढ़ता है, और पटना में पूरे बिहार में पढ़ने वाला स्टूडेंट कहाँ है? मुश्किल से 100 में 5, 95 वैसे ही झोरा लेकर के इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट दौड़ते रहता है। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल पॉलीमर है, मैनमेड पॉलीमर है, वे बूना एस, दूसरा नायलॉन सिक्स हैं, याद है नायलॉन सिक्स? नहीं याद होगा उसको, एडीपी के सीट और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो ये मैनमेड पॉलीमर है। अब अगेन हम लोग बात करेंगे जो वैसा पॉलीमर जो दोनों के मिलने से बना हुआ हो, तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का पॉलीमर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर बात कर रहे हैं? सोर्स के आधार पे बात कर रहे हैं। तीसरा टर्म बात करेंगे जिसका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जहां कहीं भी सेमी मतलब हाफ, है ना, सेमी मतलब हाफ, तो वे आधा सिंथेटिक है। इसका मतलब आधा क्या होगा? नेचुरल होगा। तो ए पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, उसको ही हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल सेल्यूलोज एसीटेट, है ना। ये सेल्यूलोज एसीटेट जो है ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। रेयॉन जिसको कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये सेल्यूलोज एसीटेट जो हो गया वे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो पॉलीमर है इस पॉलीमर को क्लासिफाई कर दिए, कितने भाग में? 3 भाग में, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें।